सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अभी हमारे सबके घर के अंदर से है उसमें अपने कोई भी हो उसको एक बार साफ कर लीजिए। पांच साल लोगों को काम करना पैसा पास तो पीछा हो रहा है अपने यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस इलाके में मिले 26 पॉजिटिव मिले हैं 7 क्षेत्र में टोटल प्रदेश में तो 29 उसमें से 26 यहाँ मिले। इसलिए सावधानी रखिए। अच्छा ये मच्छर जो है साफ पानी में आता है, गंदे पानी में नहीं आता, इसलिए एक बार कूलर वगैरह सब साफ करके बंद कर लीजिए। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये ध्यान रखना। टीका वायरस हमारे प्रदेश में 29 पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग इसके लिए जबरदस्त गंभीरता से काम कर रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम यहाँ पर आई हुई है और उसकी गाइडलाइन पर प्रदेश का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसमें काम कर रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेज और CMHOs को विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए केंद्रीय दल के साथ रोकथाम के लिए आवश्यक गतिविधियों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन, जयपुर नगर निगम और महिला और बाल विकास विभाग की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को जीका वायरस से बचाव और रोकथाम के प्रति भी लोगों को शिक्षित भी कर रही है कि ये जीका वायरस यदि किसी के पॉजिटिव होता है तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई प्राण घातक बीमारी नहीं है। ये केवल जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके यदि जीका वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो जो गर्भ में बच्चा है उस पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो विभाग का है वो गर्भवती महिलाओं पर है।